गाइस नमस्कार प्रणाम फिर से स्वागत है गाइस आप सभी लोग का मेरे को शानदार से व्लॉग में। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और गाइस यार अभी अपन लोग छत पे हैं और गाइस आज अपन लोग हल लगाने वाले हैं। तो गाइस बैल बुल आ चुकी है और नाश्ता हो रहा अभी, तो फटाफट से चलते हैं नाश्ता करने के लिए और उसके बाद जाएंगे खेत पे हल लगाने के लिए। और इस टाइम पे हमारे साथ चाचा जी आर्क है तो जो कि बैल लेके आए हैं, तो भाई उनसे भी मिलवाते हैं आपको, ठीक है। उसका नाश्ता ये रहा और नाश्ता करने वाले भी ये रहे जो कि अभी खेत में जाके काम करेंगे। तो गाइस नाश्ते में है रोटी और घी और हरी सब्जी और चाय और ये खाने वाले लोग। तो गाइस फिलहाल पूरा जो पटाल होती गाइस वो लीप दिया क्योंकि यहाँ पे अभी नाच नूस डालेंगे। और गाइस ये हमारे चाचा हैं जो कि बैल लेके आए। चाचा हेल्प करो, हेलो कैमरे को करो तो तो चाचा हेलो हुलो कुछ नहीं कर रहे हैं। और गाइस ये अपने बैल है और ये अपना हल है जो कि अभी तैयार हो चुका है और मैं हल लांग के भी पहुंच चुका इधर साइड। तो गाइस ये रहा और ये अपने दो बैल जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहे गाइस, दो खतरनाक बैल जो कि मेरे को भी मारने के लिए तैयार है फिलहाल। तो इनसे थोड़ा दूरी बनाते हैं और चलते हैं अभी नाश्ता के लिए। तो देख नाश्ते में आज हरी सब्जी रोटी बनी की है, तो भाई फटाफट से नाश्ता करते हैं उसके बाद खेत पे जाना है। और इधर लिपा पोती भी हो रही आज क्योंकि इसके बाद नाच नूच लगाएंगे इधर, तो पूरी जमीन में लिपा पोती है और फटाफट से चलते हैं नाश्ता करने के लिए। ये रही अपनी मम्मी, मम्मी खा जा रही मम्मी रोटी लेने के लिए। और गाइस ये अपनी सब्जी है गाइस कद्दू कद्दू। और गाइस ये अपनी अपना चूल्हा जो कि अभी आग जल रही है और मम्मी रास्ता। और गाइस ये पूनम और मम्मी मम्मी रोटी दे फटाफट। मम्मी आज तो तेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, नहीं आलू निकालना है तेरे को भी करना पड़ेगा। गाइस ये थाली लेके इसको सबसे पहले भूख लगती, काम चोर नंबर वन और खाना खाने के लिए सबसे पहला नंबर थाली लेके बैठ के वो देख रहो। माई सो कितनी रोटी देनी तूने? 8 रोटी, बाप रे तेरा पेट है मजा आ गया। अपना नाश्ता आ चुका है, घी हरी सब्जी रोटी और मम्मी रोटी दे रही है। और गाइस ये 8 रोटी खा रही है, इसका पेट है काम, मैं ये सोच रहा हूँ ये इंडिया गेट है इसका पेट है, ठीक है ना। तो फिलहाल फटाफट से नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपको सीधे खेत पे। तो गाइस अभी सीधे मिलते हैं आपको खेत पे और चलो यार फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं खेत पे और ये रहा अपना घर का कुआ और इसको लेके जा रहे हैं। कामचोर आलू दिखा मेरे को, आलू किधर है? वेयर इज आलू? हियर इज आलू। हाँ नाखर नहीं करने रे, इधर पहले बता रहा पूनम मैं तेरे को, आलू टी फटाफट। मैंने किस चीज के नखरे करने क्या? हाँ नीचे से आ गया मैं चक्कू चुक्कू लेके है।
बीज लेने के लिए ताऊ जी लोग इधर और घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ से गाइज अपना घर दिखाऊं मैं तो भाई बहुत दूर दिखेगा। तो गाइज उधर अपना घर, ओ देखो 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 गाइज उधर खेत, मतलब ये देखो गाइज ऊपर जो खेत दिख रहे ना आपको यहाँ पर हल्का हल्का सा, तो गाइज वो रहा अपना खेत और अपना घर तो यहाँ से पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा, तो गाइज उतने दूर पे। तो अभी हम जा रहे घर पे फटाफट से ये बीज लेके, और गाइज इनको आज उस खेत में बोना है क्योंकि यार हमारे पास तो नहीं थे बीज, तो गाइज ताऊ जी लोग इधर आए थे बीज लेने के लिए। और इधर यार फिलहाल इतना ठंडा माहौल है ना क्योंकि गाइज इधर धूप बहुत कम पड़ती है, मतलब इस टाइम पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो फटाफट से चल रहे हैं अभी घर पे बीज लेके, तो सीधे की मिलते हैं आपको घर पे, ठीक है गाइज। तो अभी हम हैं खेत पे और हमारे साथ सब लोग जुड़ चुके हैं, चाचा चाची पापा बहन लोग सब आ चुके हैं, और हमने बहुत आलू खोदे और दो कट्टे आलू निकाल दिए हमने, जो कि एक उधर रखा है, किधर गया ये किधर रहा, एक वो पीछे रहा, और उसके अलावा हम फिलहाल हल वल लगा रहे हैं। आज मैं हल नहीं लगाने वाला क्योंकि ये बैल बड़े हरामी है, ये मेरे से नहीं चलने वाले, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हल। पीछे मम्मी घास में बोट रही है और चाचा अपना इधर आराम से आराम कर रहे हैं, बड़े थके हुए हैं चाचा। चाचा ने मधुमक्खियाँ निकाली हैं तब, और अभी हम खेत पे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और आपको खेत का दृश्य दिखा रहे हैं। तो ये काम कौन चल रहा है, तो आज हमने शहद निकाला, मधुमक्खी ने निकाला, गाइस लाइन कट कर देना ठीक है। तो अभी खेत में, तो ये है पापा जो कि यहाँ पे आलू उलू निकाल ले, हमारी आलू फिलहाल ठीक ठाक ही निकल ले, छोटे छोटे से भी है। दीपा आलू दिखा तो एक बार इधर कैसे निकल ले, ये देख लो गाइस ये है आलू, ये पापा है, ये बहन है, ये भी बहन, ये भी बहन और चाची, और सब लोग लगे हैं आलू के खेत में आलू निकालने पे, एक कट्टा आलू। और गैस काम चोर, ये रहा गैस काम चोर, देख रहे हो कैमरा, कैमरा देख के काम किया जा रहा है, कैमरा देख के काम किया जा रहा है। दूसरा काम चोर वो है गैस, वो उधर देखो, वो ओ हो, दो काम चोर है गैस हमारे साथ जो कि, और वो है हमारी भाभी जी जो कि पता नहीं गायब हो गया अभी, अच्छा दिख रही है अभी थोड़ा बहुत। और भाभी काट रही है घास और काम चोर खड़ा है इधर, देख रहे हो गैस सब आलू निकाल ले, काम चोर खड़ा है इधर, देख रहे हो ये है। थैंक यू, ज्यादा चाय कम कर, वैसे मैं नहीं पीता रहा गर्म में चाय, मैं चाचा को देखा रहा चाय, तो चाचा को चाय देते हैं। और रस बढ़ता हुआ यहाँ पे सबके लिए, दो दो रस, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा रस नहीं मिलेगा सबके लिए, दो दो रस, यहाँ पे ज्यादा रस है। काम चोर सबको रस मिल चुका है, अच्छी बात है ना, मैं नहीं खा रहा, और सबके लिए रस मिल चुका है, अच्छी बात है। बैलों के लिए घास नहीं, बैल नहीं खाता कुछ नहीं। गाइस ये है खेत में कीड़ा जो कि पूनम का भोजन है, फिलहाल हम इसको ऐसे उठाएंगे, ये सो टेस्टी, देख रहे हो गाइस दिस इज अ टेस्टी फूड, हमारे लिए नहीं चिड़ियाओं के लिए, तो गाइस इसको चिड़िया खाती है, और चिड़िया के अलावा ये खाती है, भग गई मेरे पास आई ना तू, तेरे को ये खिलाऊंगा मैं, पत्थर मारे उसको। तो गाइज अभी हल लगाते हैं, चाय पानी हो चुका है और सब लोग हल लगा रहे हैं, बहुत ही हार्ड कार्य होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती कार्य है गाइज ये वाला,
और फिर भी हमारे पास आलू कितना है, एक कट्टे दो तीन कट्टे में नीचे ले गया। मम्मी चाय पी रही है यहाँ पे और आसमान आज अच्छा दिख रहा है, पूरे बादल 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 लगे हैं। और सबसे बेकार चीज़ गाइस आज तक की वो है कि ये बादल देखो ठीक धूप के आगे लगा है, और वो बादल साइड है, सिर्फ एक बादल धूप के आगे लगा है, उसके अलावा सब बादल अपने साइड 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 लगे। तो गाइस ये फैक्ट है, उत्तराखंड में अगर रहते हो हमेशा धूप के आगे बादल लगे रहेगा, ठंडू के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे नहीं, सुबह के टाइम पे भी नहीं, शाम के टाइम पे भी नहीं, दिन में जब धूप चली रहती है तब। ओ गाइस अभी सुबह आ चुके हम खेत से नीचे, और यार भाई हाथ देख सकते हो पूरे काले हो रखे हैं। मेरे साथ नेहा भी आ गई क्योंकि नेहा को भी थकान लग गई है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा, और हमें पानी लेने भी जाना है। और अभी 2:30 बज रहे गाइस, दिन के 2:30 बज रहे हैं और अभी भी हल लग रहा है। और आज एक जो खेत सुबह से कर रहे थे उसको पूरा बो दिया है, वो पूरा हो चुका है और सुबह से लगे हैं। तो अभी फिर से वापस चलते हैं घर पे, मेरे को पानी पूनी लेके जाना है। तो हाथ वूथ पूरे गंदे हो गए, पाँव पूँ कपड़े एकदम पूरे गंदे, और आज हमने घास भी सारा, ये जितना पीछे देख रहे हो सारा घास आज हमने सारा। नेहा कितनी थकान लगी, देख रहे हो सबको थकान लगी है, सब थक चुके हैं आज, और अभी रेस्ट करने और उसके बाद खाना खुना खा के सो जाएंगे गाइस। तो शाम को मिलते हैं अब सीधे, क्योंकि इसके बाद तो ब्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है। चलते हैं यार, फिलहाल अपन लोग बैठ गए हैं छत पे, और गाइस शाम के बज रहे हैं 6, और यार भाई अभी धूप जा चुकी है देख सकते हो पीछे। तो भाई अभी अपन लोग छत पे बैठे हैं, और यार गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार था, और यार बहुत ही ज़्यादा कठिन भी था क्योंकि यार भाई आज अपन लोगों ने हल लगाया सुबह से और 2 बजे तक हल लगा रहे थे, और यार उसके अलावा अपन लोग आज आलू वालू खोदे तो भाई उसी में पूरा दिन चले गया। और गाइस उसके अलावा यार 2 बजे के बाद खाना खुना हुआ, फिर जाके हमने घास फूस लगाया, तो भाई उसका मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, लेकिन यार पूरा थक चुका था तो फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, तो इसलिए अभी शाम के टाइम पे आया हूँ। और यार भाई आज का जो शेड्यूल था बहुत ही टफ था, और यार आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो, और यार उसी के सामने बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। और क्या है उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी वीडियोज़ में अच्छा पार्ट लगता है या फिर कुछ भी थोड़ा सा गलत लगता है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे कि यार उसमें मैं सुधार करूँगा, क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को कुछ चीज़ हर्ट करती है।